नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक बड़ी सच लेके हम फिर जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो है दिगल बैंक प्रखंड के धानगाड़ा पंचायत में है। इस सीट को लेकर के बहुत बड़ी सर्वे रिपोर्ट आई थी, जहां पे जितेंद्र बसाक जो है वो जीत की ओर चल रहे थे, मगर यहां इलेक्शन कमिश्नर की लापरवाही के वजह से मामला कुछ उलटफेर हो गया। ऐसे में सर्वे रिपोर्ट जो आया था, यहाँ की जनता जो थी, यहाँ की जो आवाम थी, उनका कहना था कि यहाँ से जितेंद्र बसाक को वोट दिया गया था। और इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मीडिया से बात करने के लिए आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनके साथ हुई है नाइंसाफ़ी। बात यह है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार को चाहिए कि जब बिहार पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव करवा रहे हैं तो प्रशासन यानी कितनी घेर लापरवाही होती है इनकी, कि इनके सिस्टम पर काम नहीं होता है। अगर बताएं, यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो कि इलेक्शन ऑफिसर हो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, P1 के ऑफिसर हो, कोई भी लोकल चुनाव में लोकल प्रिजाइडिंग ऑफिसर या किसी भी शिक्षक को नहीं दी जाती है। ऐसे में धानगाड़ा पंचायत से एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे जब वोटिंग हो रही थी तो लोकल शिक्षक द्वारा वोटिंग करवाया गया, और साथ साथ जब काउंटिंग की बात चल रही थी, जब काउंटिंग हॉल में काउंटिंग हो रही थी, वहाँ पर लोकल शिक्षकों के द्वारा करवाया गया काउंटिंग। इसमें कहना है जितेंद्र बसाक का कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ ना कुछ इसमें घोटालाबाजी किया गया है। ऐसे में जो मामला है वो कहीं ना कहीं EVM पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि EVM एक ऐसी सिस्टम बन गया है, ये चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, पंचायत त्रिस्तरीय तक की बात आती है कि कहीं ना कहीं मोमेंट वही आता है जो प्रशासन को चाहिए था कि इसमें व्यवस्था देखें। EVM को लेकर प्रधानमंत्री पर भी कई बार सवाल खड़ा किया गया कि भाजपा जो है चोर खिड़की दरवाजे से आ गई है, मगर क्या है, ये लगातार तस्वीरें बनी हुई है कि आखिर ऐसा कैसे क्या हो गया। और जितेंद्र बसाक का कहना है कि यहाँ पे जो इस सीट को लेकर चुनाव जो चल रही थी, इसमें लोकल शिक्षक को डिपुट कर वोटिंग करवाया गया काउंटिंग हॉल में। यहाँ बताते हैं लोग कि काउंटिंग हॉल में जो शिक्षक था वो भी लोकल शिक्षक को रख करके वहाँ पर वोटिंग की गई है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से ली जाती है, और जितेंद्र बसाक जो इस पंचायत के मुखिया थे, भोजपुर मुखिया हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना है, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या था जितेंद्र जी बताइए। वहाँ जो गिनती जो हो रहा था, वहाँ जैसे हम लोग को बुलाया गया कि धानगरा का जो भी है प्रत्याशी और जो एजेंट है वो अंदर में आए, जैसे हम लोग अंदर में गए तो वहाँ जो देखते हैं पूरा मशीन का सील तोड़ा हुआ था। हाँ, उसके बाद बोलता कि आप लोग का गिनती हो गया, एक नंबर में इतना, दो नंबर में इतना, तीन नंबर में इतना, ऐसे करके हम लोग को लिखा करके वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद बोला कि हम बोले कि रिकाउंटिंग करना है, तो बोलता है बोले जाइए BDO साहब के पास, रिकाउंटिंग करना है तो वहाँ आवेदन दीजिए। हम लोग आवेदन लेके गए BDO साहब के पास, लेकिन BDO साहब के पास जाने नहीं दिया। इतना प्रशासन टेट था, पूरा घेराबंदी था वहां पे। किसी को रिकाउंटिंग करवाना एक तो मौलिक अधिकार है। हाँ। हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा अधिकार है कि भाई हम रिकाउंटिंग, मुझे डाउट होगा तो मैं करवाऊंगा, तो आपने ये बात नहीं कहा। हम बोले, हम मेरे पास वो क्या बोलता है, वो आवेदन भी है लिखा हुआ कि चलो हम आवेदन देते हैं, BDO साहब को बोलेंगे कि भाई मेरा रिकाउंटिंग करवाना चाहिए, लेकिन BDO साहब के पास जाने नहीं दिया प्रशासन हमको वहाँ। कौन प्रशासन के लोग थे कि जो भाई, वो क्या बोलता है, वो लोकल पुलिस था, वो क्या बोलता पुलिस था वहाँ पे। अच्छा, वो लोगों ने कहा कि जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, पूरा ब्रेकेट था वहाँ, CCTV। अच्छा, वैसे कितने वोटों के अंतर हार जीत हुई आप लोग? 180 वोट से हार जीत हुई है। और इसमें आपको लगा कि नहीं हमें बात करनी चाहिए, रिकाउंटिंग करवानी चाहिए? रिकाउंटिंग करना चाहते थे हम। हाँ, तो मगर आपको करने नहीं दिया गया? करने नहीं दिया वहाँ पे। तो फिर इसके लिए आपने आगे का तो आप रुख अपना सकते थे ना, आपको अगर ऐसा लगा तो इस पर आवेदन डालते। वहाँ तो किसी का सुन नहीं रहा था, पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा जो है ना डिगल बैंक प्रखंड का जो है पदाधिकारी वो मैनेज किया हुआ था, क्योंकि उससे मिलने के लिए नहीं जाने दे रहा था किसी को। यानी डिगल बैंक प्रशासन जो था वो इसमें मैनेज हो गया था, क्योंकि किसी से टच करने नहीं दे रहा था वहाँ पे। इतना पुलिस बल लगा दिया था, किसी को अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा था। देखिए, एक तो सीधा सीधा भारत संविधान की जो एक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। आप देख सकते हैं कि लोगों का मांग उठ रहा है कि आखिर मेरा जो सवाल है, आखिर चुनाव के बाद क्या लोग अपने सवालों को नहीं उठा सकते हैं, क्या लोग बात नहीं कर सकते हैं प्रशासन से? अगर कोई चाहता है रिकाउंटिंग करवाना तो क्यों नहीं करवाया जा सकता है? मगर इनका कहना है कि इन्होंने जो बात करने की कोशिश की, इन्हें नहीं करने दिया गया और इन्हें उस जगह से हटा दी गई। मगर यहाँ पे और लोग हैं, और इनके समर्थन में जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे पब्लिक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कत था? ये समिति प्रत्याशी थे, इनके साथ भी वही कहानी हुई है, क्या हुआ था बताइए।
जी हम धानगरा पंचायत के समिति सदस्य हैं, चुनाव हम लड़े और पब्लिक ने मुझे अच्छा खासा वोट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया। मुझे हारने की कोई इम्कान नहीं था, लेकिन हमको हराया गया है। हम लोग काउंटिंग में गए और जो है माने उधर मैकिंग हुआ, बोला कि भाई धानगरा पंचायत समिति सदस्य और मुखिया प्रत्याशी आप लोग आइए, आप लोग का काउंटिंग होने जा रहा है। हम लोग दौड़ता हुआ जा रहे थे तो तीन जगह तो हम लोग को पुलिस टॉर्चर किया और झाड़ा झपेटा लिया, मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लिया। उसके बाद हम लोग हॉल में पहुंचे और हॉल में पहुंचने के बाद वहां का जो है कर्मी लोगों को पूछते हैं कि भाई हम लोग का काउंटिंग कहाँ हो रहा है, बोले आप लोग का काउंटिंग हो गया। तो हम लोग कहें कि ऐसे कैसे काउंटिंग हो गया, कैंडिडेट हम लोग हैं, वोट हमारा है और हमारे बिगाड़े इजाजत के आप कैसे जो है मैंने काउंटिंग कर लिए, हम इसको मानेंगे नहीं। बोले कैसे नहीं मानेगा, आपका हिसाब बना के हम रखे हैं। क्या हिसाब बना के रखे हैं भाई, तो बोले आप लिखिए बूथ नंबर फलाना से आपको इतना मिला, बूथ नंबर फलाना से इतना मिला, बूथ नंबर फलाना से इतना मिला। वो सादा कागज में चार्ट बना के रखा था तो हम तो हिसाब लिए, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हुआ। हम कहें भाई ऐसे हम नहीं मानेंगे, हमें रिकाउंटिंग चाहिए। तो रिकाउंटिंग के लिए ठीक है आपका होगा रिकाउंटिंग, जाइए वीडियो को आवेदन दीजिए और वीडियो आदेश करेंगे तो हम रिकाउंटिंग करेंगे। तो हमने फिर बाहर चले आया, आवेदन लिखा बाहर में और बाहर में आवेदन लिख के जो है वीडियो साहब के पास ले जा रहे थे। वहाँ पुलिस लोग जो है हमको बोलता है कि नहीं अभी साहब से मिलने का कोई अलाउ नहीं है, साहब से मिलना है तो शाम में मिलिएगा, अभी जाने ही नहीं देंगे। हम लोग प्रयास बहुत किए जाने के लिए, वीडियो साहब को आवेदन देने के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अफसोस। फिर हम लोग काउंटिंग हॉल में गए, देखते हैं कि इस बीच में जो है सारा कर्मी हॉल खाली करके वो लोग काउंटिंग करके निकल गया, निकल गया सब कोई, निकल गया। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस तरह से लापरवाही हुई, घेर लापरवाही हुई है। अभी चुनाव बाकी है, अभी चुनाव बाकी है। यहाँ पे ठाकुरगंज प्रखंड में चुनाव होना है और पोठिया प्रखंड में होना है, कोचाधामन में होना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार को चाहिए कि ऐसे प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई करे और जो लोग मांग करते हैं कि हमको जो है रिकाउंटिंग करवाया जाए, उनकी मांग को सुननी चाहिए थी। और अभी भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार को चाहिए कि ऐसे में जो लोगों की घेर लापरवाही हुई है उनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। और भी क्या कुछ है, चलिए इनसे हम जानेंगे क्या चीज़ था और क्या मामला था। सर वहाँ हम गए तो वहाँ पर देखें कि सर वो बोला कि जीत घोषित हो चुका है, तो जैसे काउंटिंग का जो मशीन है वो खुल चुका था, तो हम बोले कि नहीं सर हम लोग को संतुष्ट नहीं हुआ, हमको दिखाइए मशीन। तो बोला मशीन लेके चला गया, आप इससे नोट कर लीजिए। तो सर हम उसका क्यों नोट करेंगे, हमको तो देखना है ना सर, हम कैंडिडेट का भाई है तो हमको तो देखना होगा ना कि सर मेरा संतुष्ट करने के लिए हमको तो मशीन देखना हो कितना नंबर आया क्या आया। तो वो नहीं दिखाया, पर पूरा मशीन पे करके रिटर्न कर दिया। वो बोला कि आप इससे ही नोट कर लीजिए, जो कैंडिडेट जीता हुआ था वो बोला हम जीत गए। क्यों, क्यों हम बोले क्या उसको कि कैसे आप जीत गए भाई, हमको संतुष्ट नहीं हुआ, रिकाउंडिंग करेंगे। तो वो उसका उसे पसीना छूट गया कि रिकाउंडिंग क्यों, क्योंकि आपको मेरा चार्ट है ना आप उससे देख लीजिए। हम जीते, आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पे लोकल शिक्षक द्वारा भी इलेक्शन करवाया। जी जी जी, पूरा लोकल शिक्षक ही था वहाँ पर जब काउंटिंग हुआ, तो पूरा धानगर का ही टीचर था, सब स्कूल का धानगर पंचायत के टीचर को लगा के तब काउंटिंग करवाया गया। जी जी जी, तो उस टाइम आपने इस चीज का सॉकआउट क्यों नहीं किया सर? वहाँ पर वहाँ से सर डंडा मार के भगा दे रहा था सर, पूरा गार्ड टाइट था सर, पूरा पुलिस प्रशासन वहाँ बहुत टाइट था, एक मिनट खड़ा होने नहीं दे रहा, आपका गिनती हो गया, आप यहाँ से निकलिए, भगा दे रहा सर, डंडा मार के दो डंडा भी खाया। एक बड़ा सवाल है कि लोकल शिक्षक को लगा करके इलेक्शन कमिश्नर बिहार के जो गाइडलाइंस है उनका कहीं ना कहीं इस चीज का हनन किया गया है, और कुछ वोटर्स हैं। एक दो बात और कहना चाहेंगे सर, ये माधरित का शिक्षण सीट था सर, आरक्षण में था, तो इसमें सर किसी को महिला को लेके कोई मुसलमान को खड़ा होना नहीं था, तो कोई महिला थर्ड फ्रंट को लेकर के तब चुनाव लड़ा गया। जी जी, जी जी, इस पंचायत में ऐसा हुआ है सर। अच्छा। जो हम लोग का जो सरकार दिया आरक्षण जो लाभ दिया वो लोग हम लोग को सर नहीं मिल रहा। ये भी तो हो सकता है ना, जो महिला आपकी चुनाव लड़ी है वो महिला तो आरक्षण भी हो सकता है। जी जी, आरक्षण में है, उसको लेके खड़ा किया। जी खड़ा किया तो वो तो अपने हिसाब से, आगे का देखना ये है ना कि काम कैसे कौन कर रहा है उसमें नजर रखना है। जी जी, उस पर हम लोग को संतुष्ट नहीं है ना सर, हम लोग के साथ गद्दारी किया, हम लोग इस पर आप मांग क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए। इलेक्शन कमिश्नर मांग कर रहे सर, हम लोग रिकाउंटिंग का मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर बिहार से। जी सर। अच्छा, कुछ और वोटर्स हैं, वोटर्स से बात करें। जी हम लोग प्रत्याशी हैं, हम लोग के सामने में कोई ईवीएम आया ही नहीं। हम लोग को पहुंचने से पहले जो है ना ही तो सील पैक तोड़ा हम लोग के सामने में, ना ही तो हम लोग से साइन कराया, ना ही तो कोई इजाज़त लिया, अपना मर्जी से सील पैक तोड़ा और अपने मर्जी से काउंटिंग करके वो लोग जो है रखा। इतनी बड़ी घेर लापरवाही हुई है। जी ना ही तो हम लोग से दस्तखत कराया है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सील टूटा, डायरेक्ट ही सब कुछ हो गया, गिनती करके बता दिया, फाड़े फाइनल।
और उसके बाद हम लोग संतुष्टि नहीं किए। रिकाउंटिंग का जो मांग किए तो रिकाउंटिंग किसी हालत में किया ही नहीं। हम लोग बहुत कोशिश किए, प्रयास किए रिकाउंटिंग का, लेकिन कुछ सुना नहीं हम लोग का। देखिए ये इनके समर्थन के खड़े आए हुए हैं वोटर, हम इनसे बात करेंगे क्या हुआ आगे, ऐसा क्यों खड़ा हुए सर? हम लोग खड़ा हुए हैं हम लोग मुखिया के लिए कि हम लोग इतना सारा आदमी मिलजुल के हमें इतना सारा वोट दिए थे, हम लोग का वोट चोरी हुआ है। 3,000 वोट दिए हम लोग, इतना सारा लोग वोट देने के बाद भी हार गया, क्या हुआ बताइए? क्या बोल गए? वोट हम 3,000 दिए, हमारा वोट ये चिटिंगबाजी से मुखिया, क्या बताइए? हम लोग सबको हम वोट दिए, समिति को भी वोट दिए, हमारा जो ये मुखिया है वो जितेंद्र बसाक, हम लोग 5,000 वोट दिए और वो टीचर भी था लोकल धानगरा पंचायत से, इनको हराने के लिए इनका वोट चोरी किया। उनके बाद जब जो जाके जो पहुँचे वहाँ ना तो इसका कोई गिनती हुआ ना तो कुछ हुआ। जब शाम के टाइम पहले से पढ़ते, जब शाम के टाइम हम लोग सोचे कि चलो मुखिया हार गया कोई बात, जब हम लोग एक न्यूज़ पढ़े उस न्यूज़ में क्या लिखा है कि धानगरा पंचायत से जितेंद्र बसाक जीत गया। हम लोग रात में पता चला, हम लोग खूब हवा दौड़ी करे बगा दौड़, उसमें तो सब कुछ होने वाला था नहीं, ये लोग खूब जय जयकार मनाया। हम लोग का कहना है यही कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमारे जितेंद्र मुखिया को, और यही मुखिया होना चाहिए, हमको यही मुखिया चाहिए। देखिए यहाँ पे बात सवाल उठ रही है, बड़ी सवाल उठ रही है, इनका कहना है कि यहाँ पे रिंग काउंटिंग होना चाहिए, बताइए क्या दिक्कत है? भाई हम लोग तो पब्लिक मिलकर के वोट दिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हर कोई वोट दिया है, कम से कम 3,000 से भी अधिक वोट है, लेकिन वोट में वहाँ चीटिंगबाजी हुआ है इनके। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा सवाल जनता वर्सेस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से हो गया है। मैं बात यही कहूँगा कि ये जो वोटर हैं जितेंद्र बसाक जी का, ये वोटर रोड पर आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, इनके आवास में आ गए हैं, यहाँ विरोध जो है खैर निंदा कर रहे हैं, लोगों का कहना क्या बताइए? सर हम लोग 3,000 प्लस वोट दिए हैं, हम लोगों का वोट गया कहाँ? हम लोग प्रत्याशी को क्यों नहीं मिला वोट? ये बेईमानी क्यों हुआ? क्या पैसा के बुनियाद पर वोट गिनती होता है? हैं मुखिया हमें यही चाहिए, मुखिया यही चाहिए, इतना पब्लिक जो वोट दिए, वोट गया कहाँ हमारा? जी सरकार जो हम लोग को चाहिए, सरकार हम लोग को चुनाव दिया है कि आप लोग बढ़िया देख करके चुनिए। हम लोगों ने पब्लिक 3,000 से अधिक पब्लिक चुन करके जितेंद्र मुखिया को हमने वोट दिए हैं, जिसका सफलता होना चाहिए, और हमारे नजदीक में जितेंद्र मुखिया के आगे कोई मुखिया नहीं है, हमने उसको सपोर्ट किए हैं जी। चलिए बहुत 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 शुक्रिया। यहाँ जो वोटर्स हैं जी बताइए क्या? हाँ सर, जब तक मेरा मुखिया नहीं पहुँचा वहाँ पर, फिर काहे वोट का बंडल खुल गया, डब्बा खुल गया, डब्बा काहे खुला? जब तक मेरा मुखिया वहाँ पर नहीं पहुँचा तो डब्बा क्यों खोला, और डब्बा खोलने का क्या वजह है? जब कोई वजह था तब ना डब्बा खुला। यही सवाल उठ रहा है कि जितेंद्र बसाक बिना पहुंचे ही सील कैसे खुल गया, एक बड़े आरोप लग रहे हैं। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार को चाहिए कि ऐसे मामले में जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए, और इसमें जाँच कर जो भी निष्पक्ष रूप से जो परिणाम आए उसको सामने लाया जाए। यहाँ मांग उठ रही है रिकाउंटिंग की। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन एवं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देंगे और क्या कुछ रहेगा। न्यूज 24 एक्सप्रेस के लिए सहयोगी साथी के साथ मैं मोहसिन आलम के साथ मिनहाज आलम।